Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh. I'm a NEET biology educator and I have been the most consistent educator on YouTube. How do I stay consistent is probably the most asked question. I know हम सबकी लाइफ में बहुत बार नेगेटिव टाइम आता है, नेगेटिव फेज आता है जब हम एक चीज में कंसिस्टेंट हो जाते हैं एंड दैट इज प्रोकेस्टिनेशन. आई नो इट्स डार्क एंड डिफिकल्ट बट ट्रस्ट मी, कुछ छोटे चेंजेस करने हैं अपनी एटीट्यूड में एंड यू विल बी देयर. आई वॉज नॉट बॉर्न कंसिस्टेंट बट मैंने इसको बिल्ड करा है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दोज वेज जिसने मुझे हेल्प करा कंसिस्टेंट रहने. नंबर वन, मेक श्योर दे आर योर ड्रीम्स. सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ड्रीम्स आपके डिजायर से बने हों रादर देन कि सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से या फिर आपके दोस्तों के प्रेशर की वजह से आपने कोई चीज़ चूज कर लिए. अगर ऐसा है तो इवेंचुअली यू विल लूज इंटरेस्ट. बट इफ यू आर रियली श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, कंसिस्टेंसी विल फॉलो. सेकंड इज ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर पीसेस. इमेजिन करो कि जैसे तुम्हारा जो गोल है इज लाइक अ रोड ट्रिप टू योर फेवरेट डेस्टिनेशन. जैसे जब आप रोड ट्रिप पे जाते हैं तो माइलस्टोन्स आते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ अब इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह रहा है एंड यू फील मोटिवेटेड कि बस आने ही वाला है पास में. वैसे ही मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने पूरे वीक का एक प्लान, एक टारगेट ले लेती हूँ. मुझे मेरे कोर्स में क्या कराना है, पढ़ाने में क्या कराना है, मेरे खुद के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे क्या जाना चाहिए, मुझे अपना घर भी मैनेज करना है तो पर्सनल मेरे क्या गोल्स होंगे, प्रोफेशनल मेरे क्या गोल्स होंगे, क्या टारगेट्स रहेंगे, मैं वीकली वो लगा लेती हूँ. एंड बाई द एंड ऑफ द वीक वेन आई फिनिश दैम, वेन आई कम्प्लीट दैम, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है विच मोटिवेट्स मी फॉर द नेक्स्ट टारगेट. थर्ड इज रियलाइज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. देर विल बी गुड डेज, देर विल बी बैड डेज एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. कुछ दिन ऐसा होगा कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, कुछ दिन ऐसा होगा कि नहीं करेंगे. सो डोंट बी डीमोटिवेटेड अगर कोई एक प्लान, अगर कोई एक टारगेट अचीव नहीं हुआ तो. The key to consistency is to keep moving forward. चाहे target achieve हुआ या नहीं हुआ, keep reminding yourself why you started in the first place. Just pick yourself up और आगे बढ़ते रहो. Number four is make time for things you love doing. Please ensure that you take out time for things you love doing. For example, in my case, I love going for a walk. I love listening to music. I love cooking. तो मैं इंश्योर करती हूँ कि दिन में मैं इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर करूँ. इट्स लाइक अ स्मॉल रिवॉर्ड, पूरे दिन में इतना काम करा है और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स यू, ये आपको रिचार्ज करता है, रिफ्रेश करता है एंड वो जो बर्नआउट वाली फीलिंग होती है ना वो भी दूर हो जाती है. यू गाइज कंप्लेन अ लॉट अबाउट दिस, मेरे साथ भी ऐसा होता है एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज इट, दिस इज़ हाउ आई एड्रेस इट. नंबर फाइव इज़ सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करो, इंटरेक्ट करो जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं एंड मेक श्योर दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल हु इन अ वे कैन होल्ड यू अकाउंटेबल एंड दे कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस यू आर द सोर्स ऑफ माई पॉजिटिविटी एंड आई फील अकाउंटेबल टू यू गाइज and that is what keeps me consistent. Thank you for watching the video and I'm sure this is going to help you a lot. Videos like these take a lot of effort. So do consider subscribing to the channel, like the video, share the video. It will make it all worthwhile. And Telegram zarur join kar lena jahan pe aapko free NEET se related content milega. Mere Telegram ka link maine chats mein pin kar diya hai. Bye.